1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी और उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसी बीच ईरान को लेकर कई ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। दरअसल 5 अक्टूबर को ईरान के समनान प्रांत में सुबह 10:45 पर 4.4 तीव्रता का एक भूकंप नापा गया। यह भूकंप लगभग 12 किलोमीटर की गहराई में आया था। अक्सर ईरान के इस इलाके में इस तरह के भूकंप आते नहीं हैं। इस कारण ईरान में आए इस भूकंप को कई जानकार ईरान के परमाणु परीक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें कि 2013 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था तब कुछ इस तरह की घटना देखने को मिली थी। जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया तब इस रीजन में भूकंप देखने को मिला था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये साधारण भूकंप है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया ने एक परमाणु विस्फोट किया था। बाद में नॉर्थ कोरिया ने ये ऐलान भी किया था कि वो अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है।